मैं हूं सोनम। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस पर शेयर करने वाली हूं मैं। जी हां, आज की वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वो कैसे? बिकॉज ये गर्ल्स की प्रॉब्लम क्या होती है समर्स में। इनफैक्ट जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी तब मेरी भी मोस्टली प्रॉब्लम यही हुआ करती थी कि समर्स में हम अपने मेकअप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, कैसे वाटरप्रूफ बनाएं और स्वेट प्रूफ बनाएं कि बिल्कुल भी, क्योंकि पसीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्वेटिंग होती है और हमारा मेकअप जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हम अगर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, लाइक इतनी सारी लेयर्स अप्लाई करते हैं, तो समर्स में वो भी बहुत ज़्यादा केकी लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्वेटिंग की वजह से जो हमारा फाउंडेशन है वो निकल कर आ जाता है, इनफैक्ट जगह जगह से काला काला हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं अपनी रियल लाइफ में, ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक आपके साथ ऐसा हैक शेयर करूँ, आपके साथ मैं एक ऐसी वीडियो शेयर करूँ जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करूँ कि किस तरीके से हम अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, स्वेट प्रूफ बना सकते हैं और इतनी सारी लेयर अप्लाई करे बगैर एक इतना प्यारा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर की हैं। और गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में इस मेकअप लुक को क्रिएट करें मैंने कोई भी फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है। बिकॉज गाइस, फाउंडेशन में अगर हम डे आउट मेकअप लुक क्रिएट करते हैं फाउंडेशन से, तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्वेटिंग के, मेकअप काला पड़ने के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फाउंडेशन को स्किप करते हैं, देन इस तरीके से कुछ एक मेकअप लुक क्रिएट करते हैं जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, वाटर प्रूफ हो। तो आप इस मेकअप लुक को आप एज अ पार्टी मेकअप लुक, डे आउट पार्टी मेकअप लुक, कॉलेज फेयरवेल पार्टी मेकअप लुक भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है मैंने यहाँ पर गाइस। और गाइस, सीरियसली बताऊँ मैं, ये सारा जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की हेल्प से किया है, जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, आपके घर में भी इजीली अवेलेबल होते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप बहुत सारी वीडियो सर्च कर रहे थे कि स्वेट प्रूफ मेकअप हम कैसे कर सकते हैं, वाटर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आपकी तो सारी परेशानियों का हल आपका इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे गाइस। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री है, साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। बिकॉज गाइस, इतनी मेहनत, और अभी सीरियसली बताऊँ आपको रात के 2 बज रहे हैं जिस वजह से मैं ये मेकअप लुक शूट कर रही हूँ, और गाइस इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं। तो अभी एक फर्ज बनता है गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैंने अभी अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश किया है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को हाइड्रेट कर लूँगी राइस वाटर टोनर से। तो गाइज, जो राइस वाटर टोनर है ये होममेड है, मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, बिकॉज अभी समर से मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा रैशेज हो गए थे, तो इसलिए मैंने ये होममेड राइस टोनर बनाया एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे मुझे हुए गाइज। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट, मैं यहाँ पर अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैं पर पॉन्ड्स की डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ गाइस। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा मैट है, बट ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे फेस को और नेक को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ब्राउज़ को फिल कर लूँगी। सो गाइस, ब्राउज़ को फिल करने के लिए मैं पर मिस क्लेयर की डार्क ब्राउन पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो इसका प्राइस जो है गाइस ओनली 40 रुपीज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर लूँगी। डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर स्टिक कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही थोड़े से अमाउंट में इसे अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर नहीं अप्लाई करूँगी, एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बिकॉज जो भी डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, वो अच्छे से हाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, कंसीलर भी सिर्फ आईज़ पर ही अप्लाई करूँगी, फेस पर अप्लाई नहीं करूँगा। तो गाइस, यहाँ पर बिगिनर्स के लिए मैं एक हैक शेयर कर रही हूँ। अगर आप आई मेकअप स्टार्ट करते हैं या आई मेकअप करने की कोशिश करते हैं, तो जो आउटर कॉर्नर होता है अगर आपका वो ढंग से क्रिएट नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके की टेप आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आउटर कॉर्नर पर, और उसके बाद में आप अपना आई मेकअप क्रिएट करेंगे तो गाइस आउटर वी जो होगा वो अपने आप से क्रिएट हो जाएगा। तो ये है बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं अपनी आई शेडो पैलेट से मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लेकर उसे एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई कर लिया है और उसे ही अच्छे से पूरे आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट, मैं एक लिक्विड कंसीलर से कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कंसीलर जो यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंसीलर है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है।
है। तो नेक्स्ट गाइज मैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने कटकीज ड्रॉ किया है, यहाँ पर मैं पिंक शेड अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज मेरे ड्रेस का कलर है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं टेप को रिमूव कर दूँगी, और देखिए गाइज आउटर कॉर्नर कितने अच्छे से क्रिएट हुआ है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं इस हैक को। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर अप्लाई नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल सा लाइनर अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पर जेल लाइनर या फिर पेन लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों आईज पर लाइनर अप्लाई कर लिया है, एंड फॉल्सेस भी अप्लाई कर ली है। तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप जो है वो डन हो गया है। अब आते हैं अपने फेस मेकअप पर। तो गाइज मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर को गाइज बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मोस्टली समर्स में तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम डे आउट पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, बाहर जाते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से हमारा फेस जो होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, प्राइमर हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ गाइज फाउंडेशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के स्टार्टिंग में फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ आज के मेकअप लुक में। तो यहाँ पर मैं स्पिंस की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ गाइज। ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज देती है। तो मैं इसे मोस्टली अप्लाई करती हूँ अगर मैं डे आउट पार्टी मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ लाइक, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। एंड गाइज मुझे फाउंडेशन से काफ़ी अच्छी कवरेज गाइज, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। एज यू कैन सी मैं अपने हाफ फेस से पहले अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस है। अभी मैंने अपने हाफ फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, एंड हाफ फेस पे मैं यहाँ पर स्पिंस की बीबी क्रीम अप्लाई करी, और देखिए गाइज कितना फ़र्क है। इसने डार्क सर्कल्स को हाइड कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा हाई कवरेज ही हमें देती है। अगर आप फाउंडेशन को स्किप करना चाहते हैं कि समर्स का टाइम है और फाउंडेशन स्टिकी हो जाता है, तो आप यहाँ पर बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, स्पिंस की बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी बीबी या सीसी क्रीम आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट मैं अपने जो भी बेस मेकअप है उसे अच्छे से सेट कर लूँगी पाउडर कॉम्पैक्ट की हेल्प से। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर SFR की 4-in-1 पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं ब्लशर अप्लाई कर लूँगी, और बहुत ही लाइट सा कॉन्टोर कर लूँगी अपने फेस को। तो गाइज देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लशर अप्लाई कर लिया है। ब्लशर अप्लाई कर लेने के बाद अब लास्ट स्टेप है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें शेड मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ पीची सा शेड है ये। तो इस तरीके से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। और अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको इसकी हेल्प से अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हाईलाइटर अप्लाई कर लूँगी बहुत ही हल्का सा, बिकॉज डे आउट पार्टी मेकअप है तो हाईलाइटर ज़्यादा अमाउंट में अच्छा नहीं लगे। लास्ट में गाइस समर्स में अपने मेकअप को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कलर एसेंस के मेकअप फिक्सर से अपने पूरे मेकअप को फिक्स कर लूँगी। एंड गाइस सी ये है मेरा फाइनल लुक। ये था मेरा आज का मेकअप लुक, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो हो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और गाइज ऐसी वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाती रहूंगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ टिप्स, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू टिप्स के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।